1320 kHz guys. हाय गाइज, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। सो आज आप लोगों को मैं बताने जा रही हूँ कि अवेकनिंग के डी लेवल 3 करके और उसका डैमेज वगैरह वगैरह मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखिएगा एंड आप लोगों को कैसा लगता है अवेकनिंग के डी का स्किल बताइएगा। तो चलिए चलते वीडियो के अंदर। सो जितने भी आप लोग देख रहे हो, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो वीडियो देखिए पहले, फिर लाइक कर देना। ओके, तो यहाँ पे ओके गाइज, सो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो कैरेक्टर में मैं जा रही हूँ और मैं चेंज करती हूँ और केली इधर गई, इसलिए मैं ऐड नहीं करती हूँ लोगों। ओके, सो यहाँ पे है हमारा केली और आप लोग यहाँ पे देख सकते हो मुझे इस बार ये अवेकनिंग शार्ड मिला था उससे एलिट पास से, तो आप लोगों को भी मिला होगा ऑफकोर्स। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो लेवल 3-2 का है मेरे के लिए अभी, और लेवल 3 के होने के लिए 700 फ्रैगमेंट एंड 2 शार्ड चाहिए आप लोगों को। तो मैं इसको अपग्रेड कर लेती हूँ। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो अपग्रेड, ओके तो मैंने अपग्रेड कर दिया। तो ओके गाइस, सो यहाँ पे क्या होगा कि लेवल 3 का हो चुका है, हर 7 सेकेंड के बाद स्किल अवेकनिंग होगा, तब उसके 5 सेकेंड के अंदर अंदर आप लोगों को एनिमी को डैमेज देना है। तो डैमेज कितना देगा, 120% डैमेज देगा। सो गाइस, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो अभी तो मेरा 3 लेवल का हुआ है, तो एक शॉट ही मैं अगर टारगेट को मारती हूँ तो 120 का डैमेज पड़ेगा, 120% का डैमेज। और अगर के लिए और ज़्यादा अपग्रेड हो जाती है, इसके लिए भी 2 शार्ड चाहिए, मेरे पास 0 शार्ड है अभी। तो अगर फिर से मैं अपग्रेड करूँगी केली को तो क्या होगा, 7 सेकेंड के बाद आप लोगों का स्किल अवेकनिंग होगा और अवेकनिंग होके आप लोग 5 सेकेंड के अंदर अंदर 2 शॉट मारोगे टारगेट पर, तो आप लोगों का केली डैमेज देगी 120%, सेम डैमेज है। तो मैं आप लोगों को यहाँ पे गेम दिखा देती हूँ एक्सपेरिमेंट करके कि कैसा डैमेज देती है। तो उससे पहले मैं बंडल चेंज कर देती हूँ, हम ट्रेनिंग मोड में जाकर आप लोगों को डैमेज दिखाऊंगी मैं। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हो मस्त लग रही है मेरी केली अवेकनिंग केली, 120% से डैमेज देती है, लेवल 4 होने पे 120% से 2 डैमेज देगी। वाओ, सबसे पहले AWM से ट्राई करूँगी, उसके बाद MP1 से ट्राई करूँगी, ऐसे करूँगी। सो ओके, AWM मैंने ले लिया है, कुछ अटैचमेंट लगाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। और ओके, तो हम यहाँ पे दिखाते कमाल, घड़ी नहीं है ना तो कब होगा पता ही नहीं चलता, हो चुका होगा अब तक। तो 360 का बॉडी शॉट गाइस, ओ माय गॉड, 360 का बॉडी शॉट, लॉल। अब हैंड शॉट करेंगे एक बार, हैंड शॉट, स्किन नहीं है AWM में गाइस, अब करेंगे हम हेड शॉट। हेड शॉट में कितना देता है, 1320 का हेड शॉट गाइस। फिर से अब ट्राई कर, शुरू से देखते हैं। अब फिर से मैं एक बार बॉडी शॉट दूंगी, एक बार 360 का बॉडी शॉट, ओके 180 का, हाथ पैर कहीं लगेगा तो 180 का देगा। अब ज़्यादा 7 सेकेंड उतना ज़्यादा नहीं, ज़्यादा नहीं है गाइस, थोड़ी बार में ही 7 सेकेंड हो जाएगा, देखो इसके अलावा एक नहीं होगा। 1320 का हेड शॉट, बस इतना ही है AWM का। तो विदाउट अवेकनिंग करके देखते हैं, विदाउट अवेकनिंग करके देखते। तो 150 का आप लोग देख सकते हो, 150 का पड़ रही है पाव में, मतलब 30% एक्स्ट्रा शॉट मारती है अवेकनिंग के लिए। और बॉडी शॉट देखते हैं हम, 300 का बॉडी शॉट, मतलब 330 का मारती है ना ये, 330 का बॉडी शॉट मारती है अवेकनिंग के लिए। और हेड शॉट देखते हैं अब, 1100 का, इसलिए कितना मारता, 1000
1300 का मारती है अवेकनिंग के लिए. ओके, तो इससे हो गया AWM का काम. सो गाइज, आप लोग देख सकते हो ना मैं क्या पता, आई मीन ना फोरग्रिप लगा रही हूँ, ना मजल लगा रही हूँ, कुछ भी नहीं लगा रही हूँ विदाउट एनीथिंग. ओके, मैंने अब तक जितना भी ट्राई कर रही हूँ विदाउट एनीथिंग, कुछ भी अटैचमेंट नहीं लगाया है. तो अब हम देखेंगे बॉडी शॉट. अवेकनिंग हो गया. अरे यार, हंस रहे हो. लॉल, फिर से देखेंगे. हो गया होगा. थर्टी थ्री का देखा 33 का. जब अवेकनिंग होता है तभी 33 का देता है, नहीं तो 28 का देता है. फिर से एक बार ट्राई करती हूँ मार के. 33 का गाइस, 33 का. अब विदाउट अवेकनिंग देखते हैं. 28 का 28 29 30 31 32 33 5 ज़्यादा डैमेज देता है. अब फिर से अब हेडशॉट का देखते हैं, उसके बाद पाव शॉट देखेंगे. हाँ, तो थोड़ा घूम लूँ, दो राउंड घूमने से हो जाएगा. अब देखते हेडशॉट विदाउट अवेकनिंग 154, बाद में कैलकुलेट करेंगे. ओके, अब देखेंगे इसके बाद पाव शॉट देखेंगे. पाव शॉट. ओके ओके, तो हो गया होगा 21 without awakening, 24 with awakening. Okay guys, so अब हम करेंगे कार 98 और यस के यस का डैमेज चेक करेंगे अब. तो ओके, तो फिर से हम देखते हैं कैसा होता है अवेकनिंग के लिए का जलवा विथ यस के यस सबसे पहले, उसके बाद कार 98 का देखते हैं. सो सबसे पहले हेडशॉट मारूंगे. 445 का हेडशॉट विथ अवेकनिंग, विदाउट अवेकनिंग 374. अब करेंगे हम बॉडी शॉट. ओके, यस कैस का बॉडी शॉट. आप लोगों को अगर रिजल्ट देखना है तो लास्ट तक देखिएगा वीडियो का. सब कैलकुलेट करके लास्ट में मैं रिजल्ट आप लोगों को बोल दूंगी और आप लोगों को स्क्रीन में भी दिखा दूंगी. ओके, तो अवेकनिंग स्टार्ट हो चुका है. 81 68. अब मारेंगे हम पाव शॉट. ओके, तो ज़्यादा घूमना नहीं पड़ता, 7 सेकेंड ज़्यादा देर तक अवेकनिंग हो चुका है. 60 बॉडी आई मीन पाव शॉट विथ अवेकनिंग, विदाउट अवेकनिंग 51. वाओ, विदाउट अवेकनिंग जितना ये बॉडी में मारता है ना, विथ अवेकनिंग वही चीज़ पाव में मारती है. ओके, सो अब हम कार 98 के करेंगे गाइस. कार 98 का और कार 98 का हेडशॉट देखते हैं सबसे आगे विथ अवेकनिंग के लिए. ओके, अवेक हो चुका है 550 कार 98 से, विदाउट अवेकनिंग 462 कार 98 से, विदाउट एनी अटैचमेंट में चेक कर रही हूँ गाइस. अब बॉडी शॉट देखते हम, बॉडी शॉट देखते हैं. अब गाइस अवेक हो चुका है 209 बॉडी शॉट विथ कार 98 आई मीन विथ अवेकनिंग, विदाउट अवेकनिंग हम देखते हैं 176. वाओ, कितना डिफरेंट है, बाद में रिजल्ट देखेंगे. अब
हम देखेंगे पाव शॉट, ओके, विथ अवेकनिंग एंड विदाउट अवेकनिंग। हो गया होगा गाइज, हो गया 75 63। ओके गाइज, अब जो जो मेरे पास ड्रैग नॉब का और ये दो नंगी वाला सर्वेंट का स्किन नहीं है, तो इसे ट्राई करते हैं कितना देता है डैमेज। ओके, अब एक हो गया इसके लिए, यार पीछे मुड़ के बैठो पीछे। अब पेड़ में मारेंगे इसके बाद। विदाउट अवेकनिंग 60 का। अब मारेंगे हेड शॉट गाइस, लॉल 440 का हेड शॉट विदाउट अवेकनिंग 520 है लॉल। अब शॉटगन का ट्राई करेंगे गाइस, शॉटगन का बॉडी सारी ट्राई करेंगे। ओके, शॉटगन का एक रेड लगता है नहीं लगता है पता नहीं चलता है ना, विथ अवेकनिंग के लिए और विदाउट अवेकनिंग के लिए करते हैं बॉडी शॉट करते हैं। थर्टी वन दिया, अब कितना देगा 26 26 26 26 30। अब ये दो नल्ले शॉटगन से मारेंगे गाइस, बॉडी शॉट ही मारेंगे इससे भी। कितना कितना दिखाया यार, सेवनटीन विदाउट अवेकनिंग। अब विथ अवेकनिंग के साथ दिखते हैं 17 17 17 17 17 17 17 17। कितना ज़्यादा मारा है पर लेकिन इसने 20 20 something something दिखाया है, आप लोगों ने देख चुके हैं इतना ही है गाइस। सो अब कैलकुलेट करके मैं उधर फेस कैम रख देती हूँ, सबका कैलकुलेट करके डाल दूंगी, तो देख लीजिएगा कैसा लगा, आप लोगों को बताना मत भूलिएगा। एंड गाइस, जितने भी आप लोग देख रहे हो गाइस, प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। एंड आप लोगों को कैसा लगा अवेकनिंग के लिए का ये जलवा बताइएगा। ओके, बाय बाय।